आज का हमारा टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। इसमें हमने क्रेडिट का मतलब तो देख लिया था लास्ट क्लास में। बेसिकली क्रेडिट का मतलब होता है लोन, जो भी पैसा उधार लिया जाता है उसे क्रेडिट कहते हैं। एक टेक्निकल डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसे हमने डिस्कस कर लिया था। अब आपके बुक में दो एग्जाम्पल्स दी हुई है क्रेडिट की, दो कहानियां बताई है। बेसिकली ये दो कहानियों के पीछे मकसद है एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। वो क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बहुत से लोग पैसा उधार लेते हैं, क्या सबके एंड रिजल्ट्स यानी उधार लेने से क्या सबको फायदा होता है या किसी के लिए ये चीज नुकसानदायक भी होती है। सो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इज क्रेडिट ऑलवेज बेनिफिशियल या फिर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। सो हम दोनों केस देखेंगे, इससे आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। पहला केस है फेस्टिवल सीजन का। इसमें एक एग्जांपल दी है कि एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, जो कि जूते बनाता है, और भाई सीजन के टाइम पे उसके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गए जूते बनाने के। अब इतने ज्यादा ऑर्डर पूरे करने के लिए उसे ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उसके पास इतना पैसा था नहीं, तो उसने क्या किया, पैसा उधार ले लिया। अब पैसा उधार लिया, उससे लेबर्स अपॉइंट किए, कच्चा माल लेके आया और जितने भी ऑर्डर मिले थे सारे जूते बना के टाइम पे बेच दिए, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि लोन भी सारा वापस चुका दिया और कुछ पैसा उसके खुद का भी बच गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई क्रेडिट जो है बेनिफिशियल सिचुएशन उसके लिए सलीम के लिए इट हैज क्रिएटेड या प्लेड अ पॉजिटिव एंड वाइटल रोल। वहीं पे एक एग्जांपल भी है स्वप्ना की। स्वप्ना खेती बाड़ी करती है छोटी सी जमीन पे, बेसिकली मूंगफली का प्रोडक्शन करती है, ग्राउंड नट का। उसके पास छोटी सी जमीन है, उसने पैसा उधार लिया किसी मनी लेंडर से और उसने कल्टीवेशन की, लेकिन किसी कारणवश उसकी फसल थी वो खराब हो गई। अब फसल खराब होने के कारण उसे फिर से अपनी फसल बोनी पड़ी, फिर से फसल बोने के लिए उसने फिर से पैसा उधार लिया। अब पैसा उधार लिया, फसल तो हो गई, लेकिन क्या हुआ, वो फसल उतने रेट में नहीं बिकी जितनी उसे उम्मीद थी। अब जो पैसा उधार लिया था, वो पैसा उधार जो लिया वो भी वापस चुकाना था, तो वो वापस चुकाने के लिए फिर उधार ले लिया। अब ये जो सिचुएशन है स्वप्ना की, ये कोई पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। इसमें बेसिकली वो कर्ज के बोझ के तले दबती जा रही है। एक जाल सा क्रिएट हो गया है कि कर्ज लिया, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लिया, यानी क्रेडिट लिया और क्रेडिट को चुकाने के लिए फिर से क्रेडिट लिया। सो दो चीजें निकल के आई हैं यहां से। पहली चीज, क्रेडिट बेनिफिशियल भी हो सकता है और क्रेडिट हार्मफुल भी हो सकता है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्रेडिट हमेशा बेनिफिशियल होता है, नहीं, क्रेडिट हार्मफुल भी हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि कब बेनिफिशियल है कब हार्मफुल है, तो वो पता चलेगा कि हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए क्रेडिट लिया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाया या नहीं हो पाया। जैसे सलीम का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। स्वप्ना का नहीं हो पाया, तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैसे पता चलेगा, तो आप बता देंगे कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लिया है, अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए तो क्रेडिट अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, अदरवाइज नेगेटिव चीज है। यहाँ पे आप एक वर्ड लिख लें इसके साथ, परपेचुअल इनडेटनेस, PERPETUAL, परपेचुअल इनडेटनेस, IDEBTNESS। परपेचुअल इनडेटनेस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब कोई व्यक्ति ओवरबर्डन हो जाए डेट के साथ, यानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा उधार हो जाए, तो कहते हैं कि परपेचुअल इनडेटनेस होगी, ऐसी ऐसी उधारी होगी जो उधारी अब कभी खत्म नहीं हो सकती। उस उधार को चुकाने के लिए फिर उधार लेना पड़ेगा, फिर उधार लेना पड़ेगा। सो एक सर्कल सा क्रिएट हो जाता है, एक जाल सा फैल जाता है, जिसे इकोनॉमिक्स में एक टेक्निकल वर्ड दिया है परपेचुअल इनडेटनेस का। आपके बुक में नहीं, आप लिख सकते हैं। अब आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे कि क्रेडिट की जरूरत रूरल एरियाज में भी होती है और अर्बन एरियाज में भी होती है। रूरल एरियाज में ज्यादातर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट लिया जाता है। एक वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी कि रूरल एरियाज में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रेडिट लेने का, तो वो होता है क्रॉप का प्रोडक्शन।
क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, बीज लेने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। बेसिकली जब भी फसल बोते हैं तो वो फसल बन के तैयार होगी, बिकेगी, उसमें 3 से 4 महीने होते हैं। तो इसका मतलब कॉस्ट तो सारी की सारी एक साथ लग जाती है, लेकिन उसका रिटर्न आने में 3 से 4 महीने लगते हैं। इसीलिए इसमें लोन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्रेडिट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो क्रेडिट हमने देख लिया बेनिफिशियल, तो लेकिन साथ के साथ क्रेडिट कैन पुश द बोरोवर इन अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अगर कोई परपेचुअल इंडेटनेस में फंस गया तो वहां से उभर नहीं सकता, उसकी रिकवरी कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए क्रेडिट ध्यान रख के और जरूरत के हिसाब से ही पैसा लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल, हार्मफुल हो सकता है। अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। देखिए, जब भी पैसा उधार लिया जाता है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो वही टर्म्स एंड कंडीशंस को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। जैसे कि जब भी कहीं से पैसा उधार लेने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कैसे किया जाता है? भाई ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख रुपए में उधार लेके आया और जिस व्यक्ति से लिया उसको मैं 1 साल बाद 1 लाख एज इट इज लौटा दूं, तो उसको क्या फायदा हुआ जिसने मुझे उधार दिया? उसको फायदा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जैसा हमने बैंक के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में इंक्लूड नहीं होता। जब भी पैसा उधार लेने जाते हैं जनरली बैंक में, तो बैंक बहुत सी कंडीशंस को फुलफिल करवाता है, तो उन्हीं कंडीशंस को बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सो अगर वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सो द कंडीशंस एंड टर्म्स ऑन व्हिच क्रेडिट इज टेकन या क्रेडिट इज अवेलेबल इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसमें देखो क्या क्या चीजें आती हैं। लोन का अमाउंट, जो पैसा उधार लेना है ये, उसके साथ साथ ड्यूरेशन भी पहले ही फिक्स किया जाता है कि 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है। ड्यूरेशन के साथ एक आता है टाइप ऑफ लोन। अगर आप बैंक में जाते हैं तो हाउस लोन अलग मिलता है, एजुकेशन लोन अलग मिलता है, तो टाइप ऑफ लोन भी। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली हम आम भाषा में बोल देते हैं कागज कार्रवाई करवाना। जब भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो पहले वो ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि या तो आपकी प्रॉपर्टी के कागज पत्र देखेंगे कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी एक्चुअल में है भी या किसी और की पड़ोसी की प्रॉपर्टी लाके गिरवी रख दी, या फिर सैलरी स्लिप देखते हैं। इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, सिर्फ बैंक में नहीं, वैसे भी अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उसमें स्टैम्प पेपर लगा के उसमें लिख देते हैं भाई इस व्यक्ति ने इतना इतना पैसा उधार लिया। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कहलाते हैं। इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको पता ही है। मोड ऑफ रीपेमेंट भी पहले ही सुनिश्चित किया जाता है कि कब पैसे वापस चुकाए जाएंगे, किस फॉर्म में चुकाए जाएंगे। किस फॉर्म का मतलब ये है कि भाई या तो लमसम पैसे मिलेंगे, एकदम से सारे दे देंगे, या इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। कोलेक्ट्रल, कोलेक्ट्रल देखो इसमें ना एक तो डॉक्यूमेंटेशन और एक कोलेक्ट्रल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कोलेक्ट्रल का मतलब होता है जब भी लोन लेने जाते हैं कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन, जिसने पैसा उधार लिया वो उसका मालिक है और उसे यूज करता है एज ए गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज पेड। अब जो भी पैसा उधार देने वाला है उसके मन में ये डाउट तो रहता ही है कि भाई मैं जो पैसा उधार दे रहा हूँ वो मेरा वापस आएगा या नहीं आएगा, तो उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए, एक गारंटी देने के लिए कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं कि भाई मान लो कल को मैं पैसा ना भी दूं तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है आप इसे बेच के पैसा रिकवर कर लेना। बैंक्स तो जरूरी लेते हैं, हाँ वैसे किसी रिश्तेदार या किसी और से पैसा उधार लें तो हो सकता है वो कोलेट्रल ना ले, लेकिन बैंक कोलेट्रल सिक्योरिटीज जरूर रख पाता है। कोलेट्रल सिक्योरिटीज का मतलब जो पैसा, जो एसेट्स गिरवी रखी गई है। ये आपकी एक डेफिनेशन दी है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब सिंपली जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग क्रेडिट इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या सिंपली ये पूछ सकते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि
टर्म्स ऑफ क्रेडिट की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्यों जरूरी है, या लेंडर जो है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी क्यों पहले मांगता है, चीजों को क्यों गिरवी रखवाता है। सो आपको पता है ताकि उसको एक गारंटी मिल सके, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि अगर फ्यूचर में पैसा वापस नहीं दे पाए तो कम से कम उस सिक्योरिटी से वो पैसा रिकवर कर ले। अगला टॉपिक है आपका फॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं मैं आपको, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लेने के सोर्सेज क्या क्या है, कहां कहां से कोई व्यक्ति क्रेडिट ले सकता है। देखिए हमारे पास बहुत से सोर्स है, हम बैंक से ले सकते हैं, हम अपने दोस्तों से पैसा उधार ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, गाँव में महाजन से, लैंडलॉर्ड से, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है उससे। तो हमारे पास ना बहुत से सोर्सेज होते हैं पैसा उधार लेने के। जब इतने सारे सोर्सेज हैं तो उनको आसानी से एनालाइज कर पाए, इसलिए उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। जो भी ऐसे सोर्सेज हैं जो कि एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, जिन पे भरोसा किया जाता है, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेटिव बैंक्स, गवर्नमेंट, ये इस किस्म की चीजें जो हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, जैसे कमर्शियल बैंक, कॉरपोरेटिव बैंक आरबीआई के कंट्रोल में, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होगी, जो किसी के कंट्रोल में है, रजिस्टर्ड है, जिनके काम कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन रेगुलेट कर रही है, इन पे भरोसा किया जा सकता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल सोर्स या इनफॉर्मल सेक्टर ये ऐसे होते हैं जो कि कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड, रिलेटिव, फ्रेंड्स। अब दोनों में क्या अंतर है? देखो जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो जनरली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, यानी जब भी लोन प्रोवाइड करवाएगा वो कम ब्याज लेगा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा ब्याज लेता है। फॉर्मल सेक्टर में सेकंड पॉइंट सिस्टमेटिक काम होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में सिस्टमेटिक काम नहीं होता। थर्ड पॉइंट, फॉर्मल सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय सम एजेंसीज, किसी एजेंसी, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मल सेक्टर मेन तो मकसद उसका भी प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर बेसिकली लोगों का एक्सप्लोइटेशन नहीं करता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर एक्सप्लोइटेशन करता है। पांचवा पॉइंट, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में कॉरपोरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ये आते हैं। सो ये आपको पूरा डाटा यहाँ पे यही बताया गया है। एक आगे चल के इम्पोर्टेंट डाटा ये बताया गया है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, सो रूरल एरिया में ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं, जबकि लेना चाहिए फॉर्मल सेक्टर से। पहली चीज तो ये कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल में से कौन सा अच्छा है, फॉर्मल सेक्टर अच्छा है, लोगों को फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वो एक्सप्लोइटेशन नहीं करते, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तीसरा किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेगुलेटेड है तो वो हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। सो लोगों को लेना तो चाहिए फॉर्मल सेक्टर से, लेकिन 85% ऑफ द लोन टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड इन द अर्बन एरिया एज वेल एज रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते ही लेते हैं, लेकिन अर्बन सेक्टर में भी जो गरीब लोग हैं ज्यादातर वो भी इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा उधार लेते हैं, यानी कि रिश्तेदारों से ले लिए, महाजन से ले लिए। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि भाई वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी कि इतना अमाउंट जितनी भी कमाई होती है लोन लेके, भाई मान लो मैं कोई किसान हूं, मैंने पैसा उधार लिया फसल बोने के लिए, अब मेरी फसल तो होगी लेकिन मुझे इतना ब्याज चुकाना पड़ जाएगा अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर से लूंगा कि मेरी सारी की सारी कमाई वो ब्याज चुकाने में चली जाएगी, जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो एज इट इज रह गया। दूसरी चीज, अगर मैं नहीं दे पाया पैसा तो फिर वो एक्सप्लोइटेशन करते हैं, मारपीट कर सकते हैं, हो सकता है वो अपने जमीन पे काम करवाए, अपने घर पे काम करवाए। जैसे पुराने जमाने में ना आपने वर्ड सुना होगा बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर होते थे, वो
वो बंधुआ मजदूर यही होते थे कि जो पैसा उधार ले लेते थे महाजन से, राजाओं से, और उनके पैसे चुका नहीं पाते थे, तो वो उनके बंधुआ मजदूर बन जाते थे। बंधुआ मजदूर का मतलब जब तक पैसा रीपे नहीं करोगे हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। सो इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेना हार्मफुल है, फॉर्मल सेक्टर से सही है। एक बड़ा रीजन है हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब होता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया है। हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब होता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया है। जैसे कि मान लो भाई मैंने ना 100 रुपए उधार लिए और एक तो मैंने लिए हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक सेकंड वेट करें, चलिए 100 रुपए मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 100 रुपए तो चुकाने हैं, उस पर 10 रुपए का ब्याज भी चुकाना है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का हो जाए, 20% का होने का मतलब ये है कि अब मुझे 20 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो इसे बोलते हैं हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग। जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसे हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग बोलते हैं, क्योंकि जब पैसा रीपे करना पड़ेगा तो ज्यादा अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। यहां तो मुझे 110 रुपए रीपे करने, यहां मुझे 120 रुपए रीपे करने पड़ेंगे। सो हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो जाती है जब, बेटा एक सेकंड, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सबके पास ही सेंड कर दूंगा। चलिए, तो मैं बता रहा था कि इनफॉर्मल सेक्टर से ना हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है, जिसके कारण डेट ट्रैप में फंस सकते हैं व्यक्ति। डेट ट्रैप वही जो मैंने परपेचुअल इंडेबटनेस बताई थी, एक जाल सा क्रिएट हो जाता है डेट का, जिसमें से लोग फिर उभर ही नहीं पाते। अब 2-3 क्वेश्चंस इसमें यही बनते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से सेक्टर से लोन लेना चाहिए क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर से। फिर बनता है फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, वो भी डिस्कस कर लिया हमने। फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेने के क्या क्या फायदे हैं डिस्कस हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर से क्या क्या नुकसान है वो डिस्कस हो गए। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब इतने फायदे हैं फॉर्मल सेक्टर के, तो जो गरीब लोग हैं या रूरल एरिया के लोग हैं वो क्यों इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं, वो बैंक से क्यों नहीं पैसा उधार लेते हैं, वो क्यों रिश्तेदारों से महाजन से उधार लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि फॉर्मल सेक्टर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं फॉर्मल सेक्टर की। वो क्या है, देखो इसमें तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अब जो गरीब व्यक्ति है या जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती जिसे वो गिरवी रख सके, इसलिए वो बैंक से पैसा नहीं ले पाते। दूसरा, वो कहाँ इतने पढ़े लिखे होते कि वो डॉक्यूमेंटेशन कर सके। अब जब भी बैंक में लोन लेने जाना पड़ता है पहले फॉर्म होता है ऐसा, उसे फिल करना पड़ता है जिसमें अपनी सारी डिटेल लिखनी पड़ती है, क्या इनकम है, क्या सोर्सेज है इनकम के, घर के कागज दिखाने पड़ते हैं, सारी चीजों के डॉक्यूमेंट करवाने पड़ते हैं। अब ना तो गरीब लोगों के पास इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना एसेट्स होते हैं, ना वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो ये काम कर पाए। तो वो ये सोचते हैं कि इतना हैक्टिक काम करने से अच्छा तो हम क्यों ना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, पर ऐसा है तुरंत जाते पैसा तो मिल जाएगा रिश्तेदारों से। तो ये कुछ लिमिटेशन है फॉर्मल सेक्टर की, और यही लिमिटेशन है जिसके कारण लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा क्रेडिट लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं सरकार द्वारा जिससे लोग इनफॉर्मल सेक्टर से कम क्रेडिट लेके फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा क्रेडिट लें। तो क्या क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो रूरल एरियाज में बैंक ओपन होने चाहिए। कितने गांव हैं जिनमें बैंक है, गिने चुने गांव में है, हर गांव में थोड़ी बैंक है। अब गांव से शहर तक आने का खर्चा, टाइम, ये सरदर्दी तो है, तो गवर्नमेंट को पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि हर गांव में बैंक हो। दूसरी चीज, लोगों को एजुकेट करे, इंफॉर्मेशन दे कि क्यों फॉर्मल सेक्टर ज्यादा बेनिफिशियल है इनफॉर्मल सेक्टर से। तीसरी चीज, जो ये पेपर वर्क होता है, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, उसे आसान बनाया जाए फॉर्मल सेक्टर से।
तो ये कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिसके कारण लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट ले बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में। अब दो टर्म्स और हैं, इसको डिस्कस करके क्लास खत्म करेंगे, चैप्टर भी खत्म होगा। एक तो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसके बारे में आपको एक सेकंड में शो करता हूँ कहाँ पे बताया गया है। ये इसमें बताया गया लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। अब देखिए क्या है, हमने ये देख लिया कि मेनली तो दो सोर्सेज अवेलेबल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब अगर कोई गरीब आदमी चाहता तो है कि वो फॉर्मल सेक्टर से पैसा उधार ले, लेकिन वो ले नहीं पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास एसेट्स नहीं है, या उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो उस चीज की भरपाई करने के लिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से पैसे लेता है। तो कुछ ऐसे सोर्सेज आए हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं कि है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर का ही काम, लेकिन उनका मेन मकसद लोगों का एक्सप्लोइटेशन करना नहीं है। तो वो क्या है? वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कॉरपोरेटिव सोसाइटी। दोनों एक जैसे ही है, पहले मैं मेन काम बता देता हूँ इनका क्या होता है, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कॉरपोरेटिव सोसाइटीज बेसिकली कुछ लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे 10 से 20 लोगों ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। ग्रुप बना के क्या किया, ग्रुप बना के सबके पास थोड़ी थोड़ी सेविंग होगी। मतलब मान लो भाई सबके पास 1000-1000 रुपए भी है, तो सबने 1000-1000 रुपए जोड़ लिए। अब 20 लोगों के 20,000 रुपए हो गए, और अब इन 20 लोगों में से जिसको भी जरूरत होती है उसे ये 20,000 रुपए उधार दे देते हैं। कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। है तो ये इनफॉर्मल का, लेकिन ये एक्सप्लोइटेशन नहीं कर रहा, इनफॉर्मल है। अच्छा, अब इसमें क्या फायदा है? इसमें दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि भाई सबके जो थोड़ी थोड़ी सेविंग है, जो काम में नहीं आ पा रही थी, जब वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो किसी के भी काम आ जाती है। दूसरी चीज, लोगों का एक्सप्लोइटेशन नहीं हो रहा इस चीज से। दूसरा पॉइंट ये है कि जब लगातार कुछ समय तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कॉरपोरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं, और सरकार को ऐसा लगता है या बैंक्स को ऐसा लगता है कि ये काम अच्छे से कर रही है, तो ये बैंक में जाके पैसा लोन के रूप में ले सकती है। जैसे अब इन 10-20 लोगों की तो समस्या ये थी कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पेपर वर्क नहीं था, तो ये बैंक से पैसा उधार नहीं ले सकते थे। लेकिन जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 2-3 साल अच्छे से काम करेंगे, बार बार पैसा सेव करते हैं, तो जो पैसा सेव हुआ है, जैसे 20,000 सेव हो गए, इसके बेसिस पे जाके वो बैंक से उधार ले सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, कि जी आप हमें पैसा उधार दो। अगर हम पैसा नहीं चुका पाए, तो जो हमने पैसा सेव कर रखा है 20,000, हम इससे आपकी रीपेमेंट कर देंगे। सो दो फायदे हैं, एक तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसी में पैसा इकट्ठा हो जाता है लोन के रूप में, और जब कुछ साल काम कर लेते हैं तो फिर जाके बैंक से भी पैसा उधार ले सकते हैं, बेशक उनके पास कोलेट्रल ना हो, कुछ चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास एक फंड है दिखाने के लिए। तो ये काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज का। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों का काम यही होता है, पैसा इकट्ठा, कुछ लोग मिलते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि जनरली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा, जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल एरियाज में काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, और जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्बन एरिया में काम करते हैं, शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलते हैं। अब जब 10 लोग मिले हैं, हो सकता है 10 में से एक टीचर है, एक फार्मर है, एक कारपेंटर है, एक बार्बर है, कुछ है। कॉरपोरेटिव सोसाइटीज में एक ही प्रोफेशन के लोग मिलते हैं, जैसे कि सारे के सारे टीचर्स ने मिलकर कॉरपोरेटिव सोसाइटी बना दी, सारे किसानों ने मिलकर कॉरपोरेटिव सोसाइटी बना दी। तीसरा डिफरेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा इकट्ठा किया है, जैसे 20,000 रुपए, ये किसी भी काम के लिए यूज किए जा सकते हैं। यानी कि इनमें से किसी को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए तो भी पैसा उधार ले सकता है, किसी को भाई अपने बच्चे की शादी के लिए चाहिए उसके लिए कर सकता है, किसी को बिजनेस शुरू करना है उसके लिए कर सकता है। कॉरपोरेटिव सोसाइटी में जिस मकसद के लिए कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनी है, केवल और केवल उसी मकसद के लिए पैसा उधार ले सकता है। जैसे कि
गुजरात में मिल्क कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। तो मिल्क कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मकसद है कि जो छोटे छोटे लोग हैं उनसे दूध खरीद के उन्हें बेचना, जैसे अमूल कॉरपोरेटिव सोसाइटी है। अब उसमें जो पैसा एक्युमुलेट हुआ उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव सोसाइटी का काम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ किया जाएगा। सो ये तीन डिफरेंसेस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज में। अब आपके बुक में तो ये बताया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जनरली रूरल विमेन्स मिलकर तैयार करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औरतें होती हैं वो, लेकिन जरूरी नहीं है, ज्यादातर विमेन्स का होता है, जरूरी नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में विमेन्स का होना जरूरी है, कोई भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। सो ये है आपका पूरा चैप्टर। चैप्टर में बेसिकली क्या क्या है मैं एक बार फटाफट बता दूं। सबसे पहले हमने देखा था बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन देखी थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फोन जिसके कारण मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी की डेफिनेशन देखी, देखा मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कैसे मनी ने सेल एंड परचेज की एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी देखी कि पहले के जमाने में तो बार्टर सिस्टम होता था, कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज, फिर मेटेलिक कॉइन्स आए, फिर करेंसीज एंड डिपॉजिट विद बैंक्स आज के टाइम पे हमारे पास है। करेंसीज में पेपर नोट और कॉइन्स, पेपर नोट कौन इशू करता है, कॉइन कौन इशू करता है, ये आपको पता है। डिपॉजिट दो टाइप के पड़े हमने, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान देखे, चेक्स देखे क्या होते हैं। फिर हमने बैंक का मेन काम देखा, बैंक किसके बीच में ब्रिज का काम करता है, डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में। बैंक का मेन इनकम क्या होता है, बैंक स्प्रेड होता है, हमने देखा बैंक स्प्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक। फिर हमने देखा क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्या बेनिफिशियली होगा या हार्मफुल हो सकता है, कहाँ कहाँ से क्रेडिट अवेल हो सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से तो बहुत क्वेश्चंस देख लिए हमने, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा अवेलेबल करना चाहिए या फिर कैसे लोगों तक अवेलेबल करवाया जाए फॉर्मल सेक्टर। लास्ट में हमने देखा फिर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ये है आपका पूरा चैप्टर। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भेज दिए थे, बाकी के क्वेश्चन में आज की क्लास में के बाद भेज दूंगा, आप वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।